हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग लेक्चर 18 देख लिए थे। सीए डिजाइन का पार्ट अभी चल रहा है, तो लेक्चर 9 हम लोग देखने वाले हैं, है ना। इसमें हम लोग का जो पोर्शन रह गया है सीए डिजाइन का, अभी कैसे करते हैं सीए डिजाइन, क्या करते हैं, उस पर भी चर्चा चल रहा है ना। तो उसी को आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो शियर डिजाइन, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ये पोर्शन पांचवा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी अभी तक हम लोग पॉइंट पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब इसी में क्या कह रहा है कि आपका देखिए कि अगर शियर, बीएस क्या है आपका, वर्टिकल स्टीरअप होगा और वेंट अप बार अलोंग विथ स्टीरअप होगा, है ना। और एक क्या पढ़े थे, एक इंक्लाइन स्टीरअप पढ़े थे, है ना। तो अभी हम लोग दो को देखते हैं, वर्टिकल स्टीरअप को देखते हैं, इंक्लाइन में थोड़ा सा है उसमें तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अरे क्या हो गया, लाइक अपने चल रहा था। तो हाँ, हम लोग देख रहे हैं कि डिजाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, वर्टिकल स्टीरअप के लिए पहले हम लोग देखते हैं, तो शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ये यार तो हम लोग को देखना है कि शियर डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं ना, ये ठीक है। तो देखिए, वर्टिकल स्टीरअप के लिए हम लोग पहले देखते हैं, तो शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू कैरी अ शियर फोर्स, शियर फोर्स इक्वल टू वी यू एस, है ना। वी यू एस आपको क्या होगा, शियर, ये डिजाइन करना है आपको जो है, ये शियर फोर्स डिजाइन करना है वी यू एस, है ना। वी यू एस डिजाइन शियर फोर्स है जो डिजाइन करना है आपको। तो ये जो है आपको कंक्रीट का इंटरनल जो रेजिस्टिंग शियर फोर्स है ना वो है, तो उसमें से हम घटा के डिजाइन करेंगे ना। तो वी एस जो आपका डिजाइन आएगा, कितना आपको शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वो वी यू एस इक्वल टू होगा वी यू लोड के कारण जो शियर फोर्स आया है ओ माइनस टाउ सी इंटू वी डी, ठीक है, टाउ सी इंटू वी डी। तो यहां से हम लोग वी यू एस कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और वी यू क्या होगा, शियर फोर्स, अरे जो लोड के कारण क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, एट मिडिल पोर्शन पे क्या होता है, इन पोर्शन पे क्या होता है, ये सब जानते हैं ना। तो वहां पे शियर फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, या ना तो फिर हम लोग जैसे माउस में पढ़े थे उसमें कैलकुलेशन किए थे ना शियर फोर्स का, उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे आपको इच्छा है उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए शियर फोर्स को, माउस में जो पढ़े हैं उससे अनुसार। तो यहाँ से आपका यूएस निकल के आ जाएगा, जो हमको डिजाइन करना है उसके लिए हमको रजिस्ट करना है, वो लो शियर फोर्स आ रहा है उसकी वजह से क्रैकिंग आ जाएगा बीम में, तो उसको रोकना है, ठीक है ना, वही डिजाइन करना है। तो वी यू एस क्या होगी आपका, शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, टाउ सी बी डी क्या है, शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट सेक्शन, टाउ सी इंटू बी डी क्या है, शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, कंक्रीट का इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण शियर फोर्स होगा, उससे आप उसको छोड़ के आप डिजाइन करिएगा ना, क्योंकि वो तो कंक्रीट ने दे दिया, तो आप स्टील प्रोवाइड करिएगा उससे ज्यादा वाला से, तो इतना आपको बच जाएगा, इतना आपको डिजाइन करना है ना, इतना आपको डिजाइन करना है, क्या चीज, सीयर हो गया। तो वर्टिकल स्टीरअप के लिए हम लोग वी यू एस कैसे निकालेंगे, वी यू एस जो निकलेगा वो निकलेगा इससे, द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप इज प्रोवाइडेड। हाँ, तो स्पेसिंग हम लोग वर्टिकल स्टीरअप में ये प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टीरअप में होगा ना, तो यहाँ से वी ले लीजिएगा, लोड दिया रहेगा चाहे शियर फोर्स दिया रहेगा उससे, है ना। तो वी यू एस इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.87 एफ वाई ए एस बी इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ अपॉन एस बी। तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील इन किसमें, एस बी, एरिया ऑफ स्टील इन स्टीरअप, टोटल एरिया ऑफ स्टील इन स्टीरअप यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बोलिए,
कैलकुलेट कर लीजिए कि नहीं, ये आपको मालूम रहेगा ग्रेड ऑफ स्टील से, ये मालूम रहेगा स्पेसिंग प्रोवाइड कैसे करते हैं उससे, फिर उससे क्या आपको डी भी मालूम रहेगा, एस भी निकालना है ना, तो यहां से आपको फाइंड करना है एस बी, एस बी यहां से फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन अभी बताएंगे तो समझ में आएगा, अभी पढ़ो क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये वी एस डिजाइन आपका हो गया, यहां से हमको निकालना है क्या वी एस, ठीक है। तो बेंटअप बार के लिए कैसे डिजाइन करना है, तो कुछ नहीं, बेंटअप बार के लिए भी यही हो जाएगा, बेंटअप बार के लिए क्या होगा वी एस अपॉन टू लेना है हमको, बेंटअप बार के लिए यहाँ पे देखो लिखा होगा व्हेन द बेंटअप बार इज प्रोवाइडेड द कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द शियर रेजिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शियर रेजिस्टेंस, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके लिए हमको डिजाइन करना है वी यू एस बाई टू के लिए डिजाइन करना होगा, ठीक है। यानी वी यू एस यहाँ पे हंस निकाल लीजिएगा और उसको टू कर लीजिएगा, इतना आप डिजाइन कर लीजिएगा बेंटअप बार के लिए स्टीरअप, यानी कि आप बेंटअप बार प्रोवाइड किए हैं तो आपका फेल होने के चांसेस क्या होगा कम होगा, आपका सीयर डिजाइन हो वहां से आप स्टील को बचा सकते हैं, जो रेनफोर्समेंट आपको लग रहा है ना उसको बेंटअप करके आप बचा सकते हैं, यही कारण है कि बेंटअप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अरे आपने स्टील वर्टिकल दे रहे हैं, अब बेंटअप वहां पे दे रहे हो तो वर्टिकल से कम परसेंटेज ऑफ स्टील वहां प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बेंटअप का खूबी है यहाँ पे, ठीक है। सीयर डिजाइन कम करना पड़ रहा है ना, क्या बोलो, ठीक है। शियर फोर्सेस टेकन बाय द बेंटअप बार, शियर फोर्स इज टेकन बाय द बेंटअप बार कितना होगा, कैलकुलेटर द फॉलोइंग 0.87 बाय एस बी इंटू साइन अल्फा, यानी वी एस डैश इसको बोल सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या है बेंटअप बार का अल्फा यहाँ मालूम रहेगा, बेंटअप है तो कुछ एंगल होगा ना, तो अल्फा आपको 45 भी हो सकता है, नहीं दिया रहेगा तो आप आंख मूंद लीजिएगा 45 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है, देखो है क्या, अल्फा ग्रेटर देन 45 डिग्री, लेकिन एंगल बिटवीन द बेंटअप बार एंड मेंबर एक्सिस, वो जो मेन आप स्टील बार प्रोवाइड किए हो, जो ये मेंबर एक्सिस आपका कॉलम हॉरिजॉन्टल है उससे इंक्लाइंड दिए हो रेनफोर्समेंट, उसका एंगल वो अल्फा 45 ले लेना है, ठीक है। तो वी एस क्या होगा 0.87 एफ बाई एस भी इंटू साइन अल्फा, ये वी एस यहाँ से निकाल लीजिएगा और एस भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वी एस नहीं ग्रेटर होना चाहिए क्या वी एस अपॉन टू से, ठीक है। तो एस भी क्या है एरिया ऑफ बेंटअप बार, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फा आपका 45 डिग्री, मतलब सब सेम है, सिर्फ यहाँ हमें चेकअप यहाँ पे ये करना है कि वी एस बाई टू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कौन बेंटअप बार में सीयर एनफोर्समेंट, यानी कि उसमें वी एस बाई वी एस यहाँ पे निकलेगा, वी एस यहाँ से निकलेगा ना जी, अरे वी एस यहाँ से निकलेगा, ये जो है वी एस यहाँ से निकलेगा और वी एस डैश जो होना चाहिए यहाँ पे, अगर वी एस यहाँ से एस भी निकाल लिए हो तो वी एस जो होना चाहिए वी एस बाई टू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है ना। अब स्टेप फॉर डिजाइन, अब डिजाइन कैसे करना है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर पीछे कुछ भी ना पढ़े हो ना, कुछ भी लेक्चर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर देख लो, सब क्या आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी से आपको न्यूमेरिकल बनाना, तो स्टेप क्या होगा आपको दिया रहेगा, आपको स्पान का लोड दिया रहेगा, किस पे लोड कितना आएगा, बीम का साइज दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, कैसा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है आपका, स्टील दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ स्टील, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो क्या आपको करना है प्रोसीजर में, आपको करना क्या है, टाउ भी निकालना है पहले, है ना, क्या कर रहा है कैलकुलेट द फोर्स वी यू, कैलकुलेट करना है पहले वी यू, कैलकुलेट द फोर्स वी यू एट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू लोड, ठीक है। लोड से आप व्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से लोड से व्यू, यहाँ से जैसे कि मैं कर देता हूँ कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो शियर फोर्स मेरा मैक्सिमम कितना आएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू आएगा ना जी, तो यहाँ से आपको जो निकलेगा ना ये व्यू निकलेगा, ठीक है, व्यू निकलेगा, तो व्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो टाउ भी नॉमिनल शियर फोर्स, टाउ भी आपको निकालना, तो टाउ भी इक्वल टू होता है क्या व्यू अपॉन बी डी,
याद रखना एकदम, ठीक है। पहले क्या निकालना है आपको, वीयू निकालना है, शियर फोर्स निकालना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, टाउ भी, टाउ भी इक्वल टू क्या हो गया, वीयू अपॉन बीडी हो गया कि नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज स्टील निकालना है, ठीक है। फिर परसेंटेज स्टील निकालना है, ठीक है। फिर टाउसी आपको टेबल से देखना है, टाउसू टाइसिन टाउसी निकालना है आपको किसके अकॉर्डिंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका कितना है, जैसे M20 है, इसके अकॉर्डिंग टाउसी निकालना है आपको ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग। ग्रेड ऑफ स्टील हम मान लीजिए 450 ले लिए, परसेंटेज ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील नहीं, परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग जो ये टेबल था। अरे इस टेबल के अनुसार, ये टेबल देखो इधर आओ, इस टेबल के अनुसार निकाल लेंगे, और बोलो निकालेंगे कि नहीं। इसके अनुसार टाउसी आप निकाल लीजिएगा, टाउसी निकल जाएगा, ठीक है, टाउसी निकल जाएगा, है ना। तो अगर टाउ भी ग्रेटर हो गया टाउसी से, तो डिजाइन करना है आपका रेनफोर्समेंट, समझ रहे हो। टाउ भी ग्रेटर हो गया टाउसी से, तो आपको डिजाइन करना है शियर रेनफोर्समेंट। अगर टाउ भी लेस हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, टाउ भी लेस हो गया टाउसी से, तो आपको शियर डिजाइन करना ही नहीं पड़ेगा। सीधा जैसे सिंगल रेनफोर्स डबल रेनफोर्स को डिजाइन करते थे, बस उसे डिजाइन करके छोड़ देना है, समझ रहे हो। शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। फिर टाउ भी चेक कर लेना है, सिर्फ ये भी चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। टाउसी नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट इज नॉट बी प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल स्टीरअप, देखो नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर टाउ भी लेस देन होगा टाउसी मैक्सिमम। द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप इज गिवन बाई, ये तो स्पेसिंग निकालेंगे अगर डिजाइन कर रहे हो तो, शियर एनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ से स्पेसिंग आप निकाल लोगे, ठीक है, एस भी निकाल लोगे, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में आओ कि अगर टाउ भी ग्रेटर हो गया टाउसी से, तो आपको शियर एनफोर्समेंट डिजाइन करना है, ठीक है। शियर एनफोर्समेंट क्या करना है, हमको डिजाइन करना है। अब डिजाइन शियर एनफोर्समेंट कितना होगा, कितना हमको डिजाइन करना है, तो अभी प्रीवियस पॉइंट 4 में पढ़े थे ना कि वी यू एस जो डिजाइन होगा वो क्या होगा, वी यू, वी यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, वी यू पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, अरे वी यू कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है वो फॉर्म से कंसेप्ट लगाते, माइनस टाउ सी इंटू बी डी, टाउ सी तो फोर से निकाल लीजिएगा, बी डी आपको शायद वो सब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट कर लेना। फिर कह रहा है कि वर्टिकल स्टीरअप आर प्रोवाइडेड देयर स्पेसिंग इज ए गिवेन बाई, मतलब स्पेसिंग भी डिसाइड कर लेंगे, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, स्पेसिंग आपका इससे कम नहीं होना चाहिए, कम वाला भी बताए थे ना कि उससे कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा कितना नहीं होना चाहिए, 300 mm या 0.75 D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से एस भी आप डिजाइन कर लीजिएगा, स्पेसिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिजाइन एस भी यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, वी एस के अकॉर्डिंग बोलो, एस भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो एस भी निकाल लीजिएगा, बस आपका डिजाइन हो गया, और क्या बचा इसमें क्या, ठीक है। अब बेंटअप के लिए सिर्फ चेक कर लेना है कि जो वी एस बाई टू से बड़ा एफ से नहीं हो, ठीक है, और चेक कर लेना है किसके लिए, स्पेसिंग के लिए भी चेक कर लेना है। तो आपको पहले ही चेक कर लिए हैं तो इस पॉइंट में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक लास्ट लगा सकते हो, चलेगा, क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट ओके है, कोई दिक्कत होगा बोलना। अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं, तो एग्जाम्पल में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, जो पोर्शन था कैलकुलेशन का, डिजाइन का पोर्शन था, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो सब खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अरे प्रैक्टिकल्स ही नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एज लाइक प्रैक्टिकल योर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बनाओगे तब थ्योरी समझ में आया कि कैसा थ्योरी क्या हुआ है, ठीक है। तो वो लेक्चर हम लोग मिलेंगे 20 लेक्चर में मिलेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, अगर लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे तो घंटा हो जाएगा, है ना, नहीं देख पाओगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलो तो वीडियो देखो, तब तक के लिए धन्यवाद।